जी बच्चों, बुक का पेज 73 पर मेरे पास एक एग्जांपल है। वो कहेगा एवेल्यूएट करें डी एक्स ओवर साइन एक्स प्लस टेन एक्स। इसको आपने क्या करना है, एवेल्यूएट करना है बच्चों, ठीक है। तो हमने खुद ही देखना है कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन की पहचान क्या होती है कि बटे में आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और कोई भी रकम स्केयर में नहीं होगी, तो वही सॉल्व इट बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी बच्चों, तो वही सॉल्व इट बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, ठीक है, पुट कर दें। हाँ जी, डी एक्स है तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, हाँ जी, टू डी जेड ओवर वन प्लस जेड स्क्वेयर। और क्या है, साइन एक्स है तो साइन एक्स को क्या पुट करते थे, यहाँ से जस्ट डी को ख़त्म कर दें तो क्या बन जाएगा, तो टू जेड ओवर वन प्लस जेड स्क्वेयर। और क्या है, टेन एक्स है तो टेन एक्स को किस तरह याद करते थे, हाँ जी, वही साइन वाला फार्मूला, लेकिन प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, टू जेड ओवर वन माइनस जेड स्क्वेयर, ठीक है। और एंड में पुट कर देंगे, जहाँ पर क्या होगा आपका बच्चों, जेड होगा, वहां पर पुट कर देंगे टेन एक्स ओवर टू, ठीक है। ये चीज़ें जेड वाला काम एंड में करेंगे, जहां जहां जेड होगा टेन एक्स ओवर टू पुट कर देंगे। चले बच्चों जी, तो इस टॉपिक के सिर्फ चार क्वेश्चन हैं और चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो एग्जांपल हैं और दो ही क्वेश्चन हैं। चले बच्चों जी, अब हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टू डी जेड ओवर वन प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टू जेड ओवर वन प्लस जेड स्क्वेयर। और टेन एक्स की जगह टू जेड ओवर वन माइनस जेड स्क्वेयर। क्लियर हो गया बच्चों। चलें जी, अब नीचे वाले का एलसीएम ले लें, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, टू डी जेड ओवर वन प्लस जेड स्क्वेयर। जी बच्चों, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, हाँ जी, वन प्लस जेड स्क्वेयर वन माइनस जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो ये वन प्लस जेड स्क्वेयर इसे कैंसिल हो गया, बाकी जो रिमेनिंग बच जाएगा ये इस टू जेड से मल्टीप्लाई हो गया, तो बन जाएगा टू जेड ओवर वन माइनस जेड स्क्वेयर प्लस वन माइनस जेड स्क्वेयर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा टू जेड इंटू वन प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। अब देखें, ये वन प्लस जेड स्क्वेयर इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये बटे का बटे, तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, हाँ जी, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा वन माइनस जेड स्क्वेयर इंटू टू जेड टू डी जेड, ठीक है। ये आपका उलट के ऊपर आ गया, तो ये आ जाएगा टू जेड ओवर, यहाँ से बचो, टू जेड इधर भी है, टू जेड इधर भी है, तो बजाय अंदर मल्टीप्लाई करने के आप कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा वन वन माइनस जेड स्क्वेयर प्लस, हाँ जी, टू जेड बार कॉमन आ गया, वन प्लस जेड स्क्वेयर। लो जी, ये टू से ये टू कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब बच्चों बताओ, ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया बाकी, हाँ जी, यहाँ से वन माइनस जेड स्क्वेयर ओवर जेड और वन प्लस वन टू, तो ये आ जाएगा टू जेड और डी जेड, तो ये बच्चों मेरे पास बाकी रह गया, ठीक है, समझ आ रही है। चलें बच्चों जी, ये y इज इक्वल टू दिस, तो मेरे पास क्या आ गया, वन ओवर टू को बाहर ले आए, तो ये आ जाएगा वन माइनस जेड स्क्वेयर ओवर जेड डी जेड। आप अलग अलग डिवाइड कर दें, वन ओवर टू, तो वन ओवर जेड माइनस जेड स्क्वेयर ओवर जेड डी जेड, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास वन ओवर टू इंटीग्रेशन वन ओवर जेड माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जस्ट जेड रह जाएगा, तो डी जेड आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू दिस, ये आ गया। अब क्या करें बच्चों, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें और वन ओवर टू अदर मल्टीप्लाई भी कर दें। जी बच्चों, तो ये मेरे पास आ गया, अब क्या करें, इसको वन ओवर टू इंटीग्रेशन वन ओवर जेड डी जेड माइनस, हाँ जी, वन ओवर टू इंटीग्रेशन जेड डी जेड, सॉरी, तो डी जेड आ जाएगा। जी बच्चों, वन ओवर टू, हाँ
हाँ जी, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z वन होता है, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव दिया गया है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन माइनस वन ओवर टू, z की इंटीग्रेशन क्या होती है, z स्क्वायर ओवर टू विद रिस्पेक्ट टू z प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू, हाँ जी, वन ओवर टू लॉग नेचुरल z माइनस वन ओवर टू और टू फोर हो जाएगा, वन बाई फोर z स्क्वायर प्लस c। ठीक है, चलें बच्चों जी, अब ये z की फॉर्म में आ गया, अब हमने z को क्या पुट करना है, z इज इक्वल टू टेन एक्स ओवर टू, तो जहाँ जहाँ z है टेन एक्स ओवर टू पुट कर दें, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा लॉग नेचुरल z की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, टेन एक्स ओवर टू माइनस वन ओवर फोर z, z की जगह क्या आ जाएगा टेन एक्स ओवर टू, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वेयर एक्स ओवर टू प्लस c। तो ये है बच्चों मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर।